उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज में सीए और एनआरसी के खिलाफ पिछले दिनों प्रदर्शन कर रही महिलाओं के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने क्षेत्रीय सांसद और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इस मामले में खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाते हुए जगह जगह उनके लापता होने के पोस्टर लगवाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से नगर के सिविल लाइन समेत शहर भर में जगह जगह अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर लगे हैं, जहां पोस्टर में क्षेत्रीय सांसद अखिलेश यादव की फोटो लगाई गई है, जिसके मुंह पर पट्टी भी लगी है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता नदीम का कहना है कि मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करने और उनके 80% वोट लेने वाले अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, इसके बावजूद वो महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ केवल ट्वीट कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। पार्टी से लड़ने में डर लग रहा है, वो समाजवादी पार्टी से ही लड़ने का काम शुरू किए हैं। और ये जो पोस्टर वगैरह है, ये कोई होगा, कोई हम नहीं समझते कोई होश हवास वाला व्यक्ति ये पोस्टर लगा सकता है। अखिलेश जैसे एक ली होगी तो जिम्मेदारी लेने वाला भी उसी ढंग का होगा।